बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी हेल्दी मिक्स वेजिटेबल पुलाव, जिसमें हमने ना तो प्याज शामिल किया, ना ही टमाटर, ना ही खड़े मसाले और ना ही दही का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी पुलाव इतना टेस्टी बनेगा, यकीन करें कि खाने वाले प्लेटें चट कर जाएंगे। तो चले जल्दी से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। टेस्टी हेल्दी पुलाव बनाने के लिए वीडियो को अपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। देखें, सबसे पहले हम कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और एक टेबलस्पून भरकर कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और शामिल कर देंगे 300 ग्राम क्यूब में कटिंग किया हुआ जो मेरे पास है चिकन। इसको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे जहाँ तक कि जब बिल्कुल वाइट हो जाए। अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और कवर लगा कर गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर कटिंग की हुई सब्ज मिर्च। आप मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून डाल देंगे नमक और 1 टीस्पून डाल देंगे कुटा भुना हुआ ज़ीरा। अच्छी तरह से सारे मसालों को हम चिकन के साथ ही भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं, और अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। अब हम शामिल करेंगे 1 कप मटर और 1 कप क्यूब में कटिंग की हुई गाजर, और इसको दो से तीन मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि गाजर और मटर गलने में टाइम लेता है। इसलिए हम इसको हल्का सा पहले फ्राई करेंगे, भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। वेजिटेबल आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद नहीं वो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो चुकी। अब हम शामिल कर देंगे 1 कप बंद गोभी और आधा कप डाल देंगे शिमला मिर्च, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जहाँ पर मैं डाल रही हूँ, जो मेरे पास आधा कप यखनी थी ये मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास यखनी ना हो तो आप चिकन क्यूब 2 डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा हमारे वेजिटेबल पुलाव के अंदर फ्लेवर जाएगा। जहाँ पर मैं डाल रही हूँ, जो आधा कप मेरे पास जखनी थी जो मैं शामिल कर दूँगी, और डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस, और अच्छी तरह से मिलाएंगे। जहाँ पर मैं आधा किलो चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आधा किलो के हिसाब से मैं 3 पाव पानी डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून डाल दूँगी लेमन जूस। आप लेमन जूस की जगह सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से पानी हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब हम शामिल कर देंगे चावल जो हमने 20 मिनट पहले भिगो कर रखे थे। चावलों को शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम पकने देंगे। सब्जियां तो हर घर में, हर फ्रिज में पड़ी ही रहती है। मेरे कहने पर आप इस तरह से वेजिटेबल मिक्स पुलाव बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगा। जहां पर मुझे नमक कुछ कम लग रहा था, मैंने 1 टीस्पून नमक का और शामिल कर दिया। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको, ये देखें, चावल हमारे पकना शुरू हो चुके हैं। हाई फ्लेम पर हमने इसको पकने देना। जो देखें, माशाल्लाह से चावलों का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम ऊपर से कवर लगाकर 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। जो देखें, माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। कितने खिले खिले ज़बरदस्त हमारे मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे डिश आउट। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी ज़बरदस्त मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।